एस सी यू में यानी कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो इलेक्शन होगा यह वीडियो कुल उसी पर नियंत्रित है कुल मिला के हम यह समझेंगे जो दो बड़ी पार्टियां हैं सॉरी <coughs> एक ए बी पी प्लस है जिसमें ओ बी सी एफ और एस एल डी भी है तो ए बी बी पी मेनली हम बोलेंगे और अदर जो है जो कि लेफ़्ट की, की पार्टियाँ हैं ए एस ए और एस एफ आई है मैं एस एफ आई और ए एस ए नहीं बोलूँगा क्योंकि ए एस ए का प्रेसिडेंट इस बार रखा गया है तो इस बार जो नवनिर्माजित होगा उसमें ए एस ए विल बी इन रूलिंग नॉट इन एस एफ आई टू बी वेरी फ्रैंक आप लोग इस बात को क्लियर रखेंगे फिलहाल जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट थी वह कोविड के कारण इलेक्शन नहीं हो पाई थी जिस कारण से कि ऑलमोस्ट थ्री इयर्स के बाद इलेक्शन होगा एंड लास्ट टाइम हमारे अभिषेक नंदन जी प्रेसिडेंट थे जो कि एस के थे यहाँ तक बात क्लियर है <coughs> अब हम इस सीरीज़ को जो आगे बढ़ाएंगे मेनली दो तीन पार्ट में आप टॉक को बांट सकते हैं एक तो क्या इलेक्शन में जो भी नए बच्चे आए हैं वह किस तरह से अफेक्टेड होंगे आपको किस पार्टी को चुनना चाहिए कौन सी पार्टी अच्छी है एच में एक तो इस पे बात होगा दूसरी यह कि इलेक्शंस के क्या प्रोज और कॉन्स होते हैं <coughs> इन एच यू कैंपस और तीसरी जो होगा इन ओवरऑल इलेक्शन के क्या रिपरकसंस होंगे ठीक है तो चलिए अब हम टॉक को स्टार्ट करते हैं तो एच यू बिन नोइंग की मैं तकरीबन एक साल से अधिक से ज़्यादा एच यू को लेकर काफ़ी कंसस रहा हूँ और जो मेरा एम था एच सू यूज टू बी द पार्ट ऑफ ओनली साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी दैट मीन्स कि मोस्टली साउथ इंडियंस रहते थे बट वैन यू कॉल सेंट्रल यूनिवर्सिटी दैट मीन्स कि अक्रॉस ऑल इंडिया के लोग आना चाहिए दैट इज़ कि नॉर्थ के भी है नॉर्थ ईस्ट के भी है साउथ का भी है आई बीन इन कैंपस फॉर लास्ट सिक्स ईयर्स मैं छः सालों से कैंपस में हूँ और वहाँ पर मैं देखा हूँ क्या कि जनरली जो है थोड़े से जो लोकल है फिर आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ अप्रॉक्सिमेटली पास के कारण साउथ के लोग ज़्यादा हैं जो मेन था रीज़न अवेयरनेस था लोगों में प्रॉब्लम थे इन्फॉर्मेशन की तो इसके बाद मैंने इंफॉमेशन के, के लिए अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया सो so दैट की पीपल हु के नॉट एफोर्ड पीपल हु आर रियली थिंकिंग टू गेट गुड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन अफोर्डेबल एजुकेशन पहुँचाती है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए और इस तरह से मैंने मुहिम शुरुआत की और वह काफ़ी रास लाई मैं अकेले इस दम पे किया और मेरे कुछ कुछ साथी रहे जो हमारे साथ दिए रोशन था आशीष था कुछ और भी मित्र रहे जो हमारा साथ दिया एज ए कैमरा मैन एंड फाइनली वी हैव डन ग्रेट जॉब और तकरीबन तीन दिन मैं एडमिशन के टाइम पे था वहाँ नवंबर चौदह पंद्रह सोलह नवंबर जो एडमिशन हो रहा था एम में तो उसमें मुझे देखा क्या कि लगभग लगभग इस बार नॉर्थ इंडियंस भी आए हैं और सबसे अजीब बात देखिए जो इस बार इलेक्शन हो रही है प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चाहे लेफ्ट की हो या राइट की हो दो बड़ी पार्टी को ही हम बात करेंगे ना ही किसी में नॉर्थ का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है व्हेन आई सी नॉर्थ मींस नो हिंदी बेल्ट आपने अभी सुना जो डिबेट डिबेट में हिंदी नहीं है यू क्लेम हिंदी टू बी योर ऑफिशियल लैंग्वेज राइट इट्स नॉट ऑफिशियल बट यू क्लेम दैट और सेवेंटी परसेंट लोग जो हैं वो हिंदी अच्छे से बोलते हैं राइट right? आपने सारा प्रेसिडेंशियल डिबेट भी इंग्लिश में करवाया थे थे थे? तो आपने यहीं पर तो मार्जिनलाइजेशन करवा दिया हिंदी के जो बच्चे हैं मास्टर्स कर रहे हैं तकरीबन वह भी सौ बच्चे हैं संस्कृत के बच्चे हैं मैं कुछ ऐसे बच्चों से मिला हूँ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में कि जो हिंदी में एग्ज़ाम दिए हैं राइट तो हिंदू को हिंदू हिंदी को आप कहाँ इंक्लूसिव बनाएं हिंदी को तो डिबेट में आप रखें ही नहीं और आप इलेक्शन की बात करते हैं चलिए तीन चार सवाल मैं पूछता हूँ आप लोगों से बिफोर गोइंग इन टू दैट डीप आप लोग वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल आर देयर स्पेशली मास्टर्स पीपल जो भी टेक्निकल एजुकेशन है या फिर इकोनॉमिक्स हो या प्रोफेशनल हो वह क्या है कि जॉब के लिए आप जा रहे हैं राइट अब आप यह बताओ प्लेसमेंट होगी आपकी पढ़ोगे आपका जॉब होगा आपका तो अब इसमें यह बताइए हाउ योर इंटरेस्ट लाइज विथ ए बी बी पी एस एफ आई और ए जस्ट गिव मी आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन फर्स्ट थिंग सेकेंड मेस बिल आपका कुछ आता होगा टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड फोर थाउजेंड पर मंथ क्या वह मेस बिल एस एफ आई भरेगी ए बी बी पी भरेगी या ए से भरेगा बताओ कौन भरेगा आप भरोगे आपके पिताजी भरेंगे गार्जियन भरेगा राइट एम आई राइट या स्कॉलरशिप के थ्रू आप दोगे थर्ड सेमेस्टर में आपको मार्क्स लाने हैं बट मैं मैं कॉन्ट्रास्ट करूँगा आई वॉज फ्रॉम स्टेट यूनिवर्सिटी बट जब हम लोग कहीं खाने जाते थे आई रिमेंबर ए कोर्ट इन ड्यूरिंग माई मास्टर्स समोसा या चाय मैं खाने गया था ठीक है और उस कैंटीन पे कुछ एक आध लीडर थे शायद ए वी वी पी के ही थे तो उन्होंने आए तो मुझे खुशी हुई कि ए वी वी पी के बड़े लीडर आए हैं तो चलो शायद समोसा होगा मेरा जूनियर है मैंने खाया उन्होंने कहा नवनीत पे कर देना सो यू कैन अंडरस्टैंड बट हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता अगर आपका 500 का बिल बना है इफ़ योर सीनियर इज़ विथ यू और एनी पार्टी हुई सीनियर टू यू दे विल बी पेइंग सो दैट्स अ स्टोरी अ पार्ट दैट इज नॉट द मैटर ऑफ डिबेट बट नाउ कमिंग टू द कोर पॉइंट कि ये जो तीन चार चीज़ मैंने बोला ना पढ़ाई में आपका कोई पार्टी हेल्प करेगा ना प्लेसमेंट में कोई पार्टी हेल्प करेगा इन पर्सन और ना ही मेस बिल या फाइनेंशली कोई पार्टी आपका हेल्प कर सकता है तो आप पार्टी के लिए क्यों मर रहे हो अनटिल अनलेस यू आर नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड हाँ पीपल हु आर वेरी मच पॉलिटिकली अलाइंट और पॉलिटिकली पॉलिटिकली मोटिवेटेड दे मस्ट गो एंड ज्वाइन उनको जरूर जाके जय श्री राम और भारत माता के जो और भारत तेरे टुकड़े होंगे और जो भी हैं चल रहे हैं बात ठीक है गोली मारो सालों को फैलाना चलना जो भी है, वो जाके आप करें बट योर इंटरेस्ट इफ डज नॉट लाई देन वाई यू पीपल आर सो वरीड हाँ बट आई मस्ट से वोटिंग इज़ योर फ्रीडम वोटिंग इज़ योर फंडामेंटल राइट as वेल एज योर कंसिडर्ड इट एज ए फंडामेंटल ड्यूटी तो यू शूड परफॉर्म योर ड्यूटी और ट्वेंटी फोर्थ को जाकर आप जरूर से जरूर वोटिंग करें यह एक मुद्दा हो गया नेक्स्ट थिंग कि आप हमें यह बताइए लास्ट थ्री ईयर्स जो एस एफ आई थी वह क्या की हर तरफ प्रॉब्लम हर तरफ एक बच्चा जो आ रहा है बिहार से यू से राजस्थान से उसको रहने के लिए वह नहीं दिलवा पाई आप लोग कुछ होटल लेके रहे किसी को मैंने खुद अरेंज करवाया और कहीं कहीं रुके नहीं करवा पाए जब आप यहाँ आते हैं कैंपस में जब आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर पर्चा बांटते हैं ये ले लो ये ले लो ये ले लो ज्वाइन दिस ज्वाइन दिस क्यों ज्वाइन करें भाई क्यों ज्वाइन करें एंड ऑलमोस्ट सेम अपलाइज टू ए वी वी पी ऑल्सो राइट आफ्टर एडमिशन हाउ यू गॉट टू नो एनी एंड ए वी वी पी पीपल आफ्टर एडमिशन वाई नॉट बिफोर एडमिशन वाई डोंट दे यू हेल्प यू बिफोर एडमिशन जस्ट थिंक ऑफ नो कमिंग टू द प्रेसिडेंटशिप एज फार एज आई नो कि लास्ट टाइम अभिषेक नंद जी प्रेसिडेंट थे उनको मैं पर्सनली काफ़ी अच्छा जानता हूँ ही हैज़ बीन वेरी गुड पी टू पी पी टू मीन्स पर्सन टू पर्सन सो पर्सन टू पर्सन रिलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डज नॉट मैटर इधर योर रूममेट और योर फ्रेंड और योर एनी रिलेटिव और योर क्लोज वन आपका अपोजिशन है या कोई भी है कुछ नहीं फर्क पड़ता है गिवेन डैट कि हाओ यू पीपल आर अटैच टू इच अदर आपका उनके साथ सोशल हारमोनी कितना है Some of your friends would be नो have joined SFI. Some of your friends have joined ABVP. मैंने इसी बात को कंडक्ट कराने के लिए तो मैंने अभी यहाँ पर एक स्क्रीन शॉट लगाया था इंस्टाग्राम पर मैं एक पॉल कर रहा था कि कौन से लोग किसको मतलब जितवा रहे हैं किसको हरा रहे हैं तो उनमें जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो नीचे नाम आ जाता है मोस्ट ऑफ दैम उसमें मैंने फाउंड किया कि जो भी मुस्लिम सपोर्टर थे उन्होंने टिक किया कि ए वी वी पी विल लूज़ और जो भी कोर हिंदू थे उन्होंने टिक किया कि एस एफ आई विल लूज़ हो गई आप लोग तो अलग हो गए कुछ इधर कुछ इधर बाकी और मैंने थर्ड ऑप्शन में दिया था कि एस यू इलेक्शन विल रिज़ल्ट इन टू डिज्रप्शन ऑफ स्टूडेंट्स हारमोनी एंड देयर रिलेशन राइट तो उनके वोट काफ़ी ज़्यादा कम थे अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे होगी देर आर टू स्टूडेंट टू काइंड ऑफ स्टूडेंट्स मोस्टली हु विल बी पासिंग आउट आफ्टर वन और टू ईयर मास्टर्स पीपल और पी एच डी स्कॉलर जिनको पाँच छः साल रहना है अभी तो उनको कोई समस्या नहीं है दे मस्ट ज्वाइन पॉलिटिक्स दे मस्ट डू देयर ओन फ्रीडम बट व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स जिनको रहना है कैंपस में जिनको प्लेसमेंट चाहिए अभी तुम लोग झंडा लेके चिल्लाओगे प्लेसमेंट नहीं होगा नौकरी नहीं होगा रोड पे आ जाओगे एडमिशन नहीं होगा नेट नहीं होगा क्या तुम्हें तब एस एफ आई और ए वी पी मदद करेगी जस्ट टेल मी विल दे हेल्प यू नॉट अटेल और ये बताइए सबसे सुप्रीम क्या होता है ओब्वियसली नेशन फ्लैग कॉन्स्टिट्यूशन लॉ and state no one is supreme beyond this no one at all or whosoever has no any respect of state nation flag in my view we should not suppose such kind of things be it left be it right there are also some kind of elementary things uh, right has also lagging or left method मैं बात ही नहीं करूंगा स्पेशली पीपल हु आर वेरी कॉन्ट्राडिक्टी अभी मैंने डिबेट में सुना कि ए के जो हैं प्रेसिडेंट जी भी उन्होंने भी यही बोला कि सॉरी वी किड नॉट गिव मुस्लिम कैंडिडेट सो यू आर अगेन क्रिएटिंग सेपरेट इलेक्टोरेट काइंड ऑफ थिंग्स राइट यू आर टॉकिंग ऑफ कॉम्यूनल थिंग्स क्या जरूरी है मुस्लिम वोटर रहना? या ये बताइए क्या जरूरी है हिंदू ही सारे वोटर रहे इट्स नॉट दैट थिंग सो यू आर नॉट सपोज टू अर्ज और यू आर नॉट सपोज टू कन्विंस पीपल कि मैंने मुस्लिम वोटर नहीं दिया क्यों नहीं दिए राइट लेफ्ट हैज़ बिन ऑलवेज बिन ए मुस्लिम अपीजर सो वाई यू हैव फेल्ड टू गिव मुस्लिम वोटर्स एंड सेम अप्लाइज टू ए बी वी पी ए बी वी पी का हिंदी बैंक वोल्ट है मोस्ट ऑफ द पीपल कम्स फ्रॉम हिंदी वोट बैंक लेफ्ट पीपल कॉल इट एज ए गो बेल्ट यानी कि गाय वाली पट्टी जो कि राजस्थान से बिहार तक की होती है चार पाँच स्टेट में क्या उनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर है शायद एक आध कैंडिडेट होगा जब प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ तो हिंदी कहाँ थी प्रेसिडेंशियल डिबेट में सेवेंटी परसेंट ऑफ पीपल नोज हिंदी एंड नियरली थर्टी टू फोर्टी परसेंट पीपल स्पीक्स हिंदी वाई देयर वॉज नॉट हिंदी एट ऑल हिंदी प्रेसिडेंशियल डिबेट में क्या नहीं था मार्जिनलाइजेशन नहीं दिखा आपको क्या हिंदी समझने वाले बच्चे वहाँ नहीं हैं क्या हर कोई इंग्लिश ही समझते हैं गॉट इट तो जब आप इस तरह की चीज़ अभी से दिखा रहे हो तो वाई पीपल शुड ट्रस्ट यू जस्ट थिंक ऑफ वाई पीपल शुड वोट यू यार आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू बोथ बीट लेफ्ट बीट राइट गोट इट तो माई फाइनल कंक्लूजन नाउ कमिंग टू क्रोज कॉन्स में क्या होगा देखिए इलेक्शन के बाद क्या होगा जो आपके काफ़ी क्लोज फ्रेंड रहे होंगे जो राइट right के होंगे और आप अगर लेफ्ट के हैं तो दोनों में ताना बाना हो जाएगा वो लेफ्ट का सपोर्टर है वो राइट right का सपोर्टर है और सिमिलरली अप्लाइज टू राइट वाला कि आपका लेफ्ट वाला नहीं रहेगा दोस्ती अब हारमोनी देखिए कैसे ब्रेक होता है बड्डे दो पार्ट में बनेगा जो लेफ़्ट के लोग हैं वो अलग से बर्थडे मनाएंगे जो राइट के लोग हैं वो अलग से बर्थडे मनाएंगे वाई वॉट इट पार्टियाँ अलग से होगी आउटिंग अलग से होगी ट्रेबल ग्रुप अलग से होगा तो क्लास में आपने बैफरकेशन कर दिया ना रियली really, थैंक्स कि लास्ट टू थ्री ईयर्स से इलेक्शन नहीं हुआ एंड पीपल वर वेरी मेच्योर्ड काफ़ी सोशल हार्मनी इस्टेब्लिश हुई लोगों के बीच काफ़ी अच्छा रहा मैं ये नहीं रहा कहा कि इलेक्शन नहीं हुआ मैं यह कह रहा हूँ Please don't lose social harmony in the name of election. Always put people first, then ideas, especially in the campus. I don't subjugate anyone's ideas, right? You have full freedom, full freedom of ideas, freedom of expression, everything. Exercise. it. But two, three things that you should keep in your mind always prioritize your <coughs> career. I have made people. कि जो लोग ज़मीन बेच कर आए हैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने लेट मी कम्प्लीट यू वन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम बिहार आई मेट हिम ही वॉज़ इन जेल फॉर फ्यू डेज अराउंड एट टू टेन डेज राइट जस्ट थिंक ऑफ कि इतना कुछ संघर्ष करने के बाद और आप यहाँ आ रहे हैं हाँ क्या ऐसा करने से गारंटेड आपको कुछ मिलने वाला है फॉर द नेशन बिल्डिंग एंड ट्रस्ट मी आउटसाइड द कैंपस ना ही ए के किसी प्रेसिडेंट को कोई जानेगा ना ही एस के प्रेसिडेंट को कोई जानेगा नो वैल्यू व्हाट वैल्यूज़ योर करियर योर कैपेबिलिटी व्हाट यू गिव सोसाइटी बैक हाओ यू बिल्ड रिलेशन अमंग पीपल सो वेन एवर यू गो फॉर द कैंपेनिंग और व्हाट एवर यू डू प्लीज़ मेक श्योर दिस थिंग्स शुड नॉट बी डिजरप्टेड दैट माई सिंपल रिक्वेस्ट एंड ओब्वियसली वी हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस वी मस्ट सपोर्ट विथ आइडियोलॉजी हुम आई अटैच विथ राइट कि जो आइडियोलॉजी हमें मिलेगी अगर हमको लेफ्ट की आइडियोलॉजी अच्छी लगेगी तो हम मस्ट लेफ्ट को सपोर्ट करना चाहिए अगर हमें राइट right right की आइडियोलॉजी मिलेगी तो आपको मस्ट राइट की सपोर्ट करना चाहिए इस बार जो पैनल का कैंडिडेट बना है मैं राइट right में से एक आध लोगों को जानता हूँ बाला को मैं जानता हूँ हु यूज टू बी माई वेरी गुड फ्रेंड फॉर लास्ट टू थ्री ईयर्स और जो लेफ़्ट के हैं उनमें एक दो लोगों को भी मैं जानता हूँ प्रसिडेंट को मैं नहीं जानता हूँ आई थिंक ही इज़ Just a second, my intention is not to hurt anyone. I think he is from ASA, Brazil. So, if you like uh, his ideas, his way of uh, presenting the things, the manifesto, you must vote him. If you like uh, right people, you must vote him. But always prioritize what I told career, family, capability, what you can give back to the society, and people to people relation. If these things are disrupted at the cost of this small election, then definitely you are going to make a big mistake. तो यह गलती आपसे ना करें मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा और इलेक्शन में ज़ोर से हिस्सा लें क्योंकि यह एक लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस देगी दिस विल रियली टीच ए लॉट और आपस में बैर ना क्रिएट करें इवन आफ्टर इलेक्शन की फ्रेंडशिप फर्स्ट की पीपल फर्स्ट स्पेशली इन द कैंपस। और यह मत सोचें कि सेंटर में अगर कोई मोदी का सपोर्टर है तो वह एच में या कैंपस में भी मोदी का सपोर्टर होगा नॉट एट ऑल राइट अगर कोई सेंटर में लेफ्ट है तो कैंपस में भी लेफ्ट होगा नॉट एट ऑल कैंपस पॉलिटिक्स इज ए काइंड ऑफ मॉडल दैट पीपल और स्टूडेंट शुड लर्न इट्स नॉट लाइक दैट सो आई थिंक नॉट इट्स टाइम टू रैप अप ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का हो चुका है मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं था इफ़ एनी ऑफ यू गॉट रियली हर्ट आई एम रियली वेरी सॉरी एंड ऑल द वेरी बेस्ट यू मस्ट पार्टिसिपेट ऑल द एच स्टूडेंट मस्ट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन लास्ट फोर फाइव इयर्स का मैं बता दूं 17 में लेफ्ट जीती थी एसएफआई 18 में एबीवीपी जीती थी फिर 19 में एसएफआई जीती थी और लास्ट टू थ्री इयर्स से इलेक्शन नहीं हुआ है तो दिस टाइम uh, दोनों में काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि ए का वोट बैंक थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ नॉर्थ डोमिनेशन बट अनफॉर्चुनेटली हिंदी स्पीकिंग और हिंदी डिबेट नहीं हो पाया जिस कारण से मैं भी थोड़ा निराश हूँ होना चाहिए वी आर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑल द लैंग्वेज शुड हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन व्हेन यू टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेशन तो यह एक थोड़ा सा रहा मुद्दा और सेकेंड जो टॉपिक रहा सेकेंड जो मुद्दा रहा लेफ्ट में लेफ्ट भी काफ़ी अच्छी है जहाँ तक आउटरीच की बात ही आती है लेफ्ट में काफ़ी अच्छा आउटरीच है उनमें कॉमरेड्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और लोगों में उनमें पॉपुलरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है तो काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है और भी दो लोग हैं एक एम है और एन के साथ जो हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर दोज पीपल ऑल्सो बट उनकी पॉपुलरिटी कम है वो सालों घर कैंपस में एक्टिव नहीं रहते हैं जिस कारण से उनके जीतने की चांस काफ़ी कम है तो मैं आपको वही बोलूंगा वाट एवर पॉइंटेड आई आई टोल्ड यू कि ये ये थिंग्स जो कर रही है आपके लिए और द थिंग्स विच रियली नियर टू योर हार्ट दैट इज अगेन आई एम टेलिंग यू लॉ नेशनल फ्लैग स्टेट एंड पीपल कनेक्टिविटी दीज थ्री फोर थिंग्स शुड बी ऑलवेज रेस्पेक्टेड नो वन इज एब स्टेट नो वन एट ऑल टू बी वेरी फ्रेंक आज सेंट्रल में नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं ही इज़ द मोस्ट पावरफुल इन द कंट्री नेक्स्ट राहुल गांधी आ सकते हैं नेक्स्ट कोई और आ सकते हैं ही विल भी द मोस्ट पावरफुल तो हुवर इज स्टेट लीडर द मोस्ट पावरफुल दैट्स ऑल सो दिस थिंग्स वी शुड लर्न सो दिस डज नॉट मीन वी शुड नॉट चैलेंज वी मस्ट चैलेंज बट अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ अंडर द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस आवर फोर फादर हैज़ स्पेंड टू वर्स इलेवन टू ईयर्स इलेवन डेज right or more than two years sorry for uh, incorrect to concretize the constitutions so we should not misutilize it please respect it and respect people's uh, respect campus keep the vibe positive don't malice it and i hope this video was fruitful to you if you think this video was really uh, i mean making change to among to others people और आपको यह लग रहा है कि यह वीडियो शेयर करना चाहिए यू प्लीज़ शेयर प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब द चैनल और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा हमारा अभी दो तीन वीडियोज़ और आएगा ऑन इकोनॉमिक्स सी यू इकोनॉमिक्स को लेकर फिर जब फॉर्म आ जाएगा फ्रॉम फेब्र फ्रॉम मार्च फिफ्टीन तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ बनाएंगे दैट इज़ की एंथ्रोपोलॉजी का फिजिक्स का केमिस्ट्री का लाइफ साइंसेज के राइट right, एम के हाउ टू क्रैक सी यू टी पी जी इंट्रेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट्स तो थैंक यू सो मच और आई एम रियली वेरी सॉरी इफ आई वॉज लिटिल बायस्ड बट फॉर मी नेशन इज़ ऑलवेज एव एंड रूल ऑफ लॉ इज़ ऑलवेज देयर सुप्रीम सो ऑल द बेस्ट मिलते हैं अगले वीडियो में और थोड़ा सा रोस्ट करने के लिए सॉरी क्योंकि वो चीज़ मिसिंग था एज आई नो वी शुड रेस्पेक्ट वी शुड गिव रिप्रेजेंटेशन एवरीथिंग जे एन यू में भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होता है जे एन यू इज़ नॉट द कि uh, वहाँ पर लेफ्ट का हब है स्टिल यू सी देर इज हिंदी स्पीकिंग पीपल क्योंकि वह डिबेट काफ़ी वाइब्रेंट होता है यू कैनॉट एक्सक्लूड द लैंग्वेज यू कैन एक्सक्लूड पीपल वेन यू टॉक अबाउट की ट्रांसजेंडर पी डब्ल्यू और ये वाई यू आर मेकिंग दलित एज जनरल एज अ मॉडर्न दलित राइट सो इंक्लूसिव इंक्लूसिव मीन्स टॉकिंग एंड टेकिंग ऑल टूगेदर एवरी वन राइट सो दिस वॉज द सिंपल मैसेज एंड सॉरी फॉर डिले इट आई होप इट वॉज नॉट दैट मच पोलिटिकल एंड चलिए आप सबको ऑल द बेस्ट और जोर शोर से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए और नीचे कॉमेंट करें कि आप किस पार्टी को क्यों जिता रहे हैं इट विल बी ग्रेट टू नो बिकॉज आई हैव अर्नड पीपल आई रेस्पेक्ट पीपल आई लव पीपल स्पेशली इन द कैम्पस चलो बाय बाय सी यू सून इन द ऑल द बेस्ट और इलेक्शन रिजल्ट के बाद जरूर कॉमेंट करें कि आपने इसको क्यों जिताया और किस तरह से आप किस तरह के गवर्नमेंट वहाँ पर देखना चाह रहे हैं जो कि स्टूडेंट हक की बात करें रही बात फूड वगैरह की उसकी क्वालिटी लास्ट फाइव सिक्स से सेम है लेफ्ट भी रही राइट right भी रही ऑलमोस्ट सेम रही फी स्ट्रक्चर एच का काफ़ी कम है लेफ्ट भी रही सर पावर में राइट right भी रही ऑलमोस्ट सेम है सो so ज़्यादा नहीं असर पड़ेगा एंड आवर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी गुड ई गवर्नेंस इज़ वेरी गुड कीप फेथ इन स्टेट वेन आई टॉक अबाउट स्टेट दैट मीन्स इंस्टीट्यूशन आवर इंस्टीट्यूशंस आर सुप्रीम एच सी यू एडमिन इज सुप्रीम

ఇంత తెలుగు అంశం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పద్దెనిమిదిగా